जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। डराया टबाकी, पर मुझे तो लगा था तुम सिर्फ शेर खान की आवाज से डरते हो, पर मुझसे भी डर गए। क्या कहा डरा, और मैं वो भी तुमसे। अच्छा मजाक करते हो, जाओ पहले मुंह धोकर आओ इंसानी बच्चे। कोई मुझे बचाओ इस खूंखार इंसानी बच्चे से, जिसके छोटे छोटे दांत हैं, सींग जैसे हाथ हैं और पतली मरी हुई आवाज है। डर के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत हंसी आ रही है। हाँ? देखा, तुम्हारे भाई बहन भी मुझसे डरकर भाग गए। अब अच्छा लग रहा है, बीच से हट जा रहे। तुम दोनों को इतनी हंसी क्यों आ रही थी उसकी फालतू बात पे? खुद तो एक डरपोक मरियल गीदड़ है, देखना मैं उसे मजा चखाऊंगा। पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई, कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओ, अब ये मत कहना कि तुम्हारा भी मूड खराब है बलू। पहले ये बताओ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उस तबाकी की वजह से, उसने मुझे कमजोर कहा जो मैं नहीं हूँ। मरियल तो वो है, पता है जब का ने उसको उठाया तो उसकी हालत खराब हो गई। अब उसका का से डरना तो बनता है मुगली, खासकर इस मौके पर। वो अपनी कैंचुली निकाल रहा है ना, और इस दौरान उसे खुजली और परेशानी। अरे हाँ। है। और अरे हाँ क्या? शुक्रिया बलू। हे मुगली रुको, मुगली सुनो वापस आओ। हाय ये खुजली। क्या चाहिए इंसानी बच्चे? मैं तो बस ये देख रहा हूँ, अभी तुम थोड़े परेशान लग रहे हो का? मुझे लगा मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। मदद? पर कैसे? तुम्हारी खुजली की परेशानी मिटा के। ऐसा आराम और कहाँ। अच्छा है। अच्छा का, अपनी केचुली उतारने के बाद क्या ये केचुली मुझे दे सकते हो? ले लेना इंसानी बच्चे, पर ये खुजली करना मत छोड़ना। शुक्रिया का। क्यों ना पहले इसे उन पर ट्राई किया जाए जो टबाकी से थोड़ा कम डरपोक हो। बहुत अच्छे, अब तुम उस तबाकी को डराने के लिए एकदम फिट हो। Oh.
ये क्या हरकत है? ओ माफ करना टबाकी, वो मैंने गलती से फेंक दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओ मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता टबाकी, तुम तो बहुत खतरनाक और ताकतवर जानवर हो। क्या कहा? प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था इंसानी बच्चे। नहीं, मुझसे दूर ही रहना, बचाओ। एक बार हाथ आजा, तुझे दिखा दूंगा टबाकी कितना खतरनाक है। आज मैं तेरा शिकार करूंगा मोगली। शेर खान समझने की भूल मत करना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत खाना का। मैं तो एक सूखा सा मरियल सा गीदड़ हूँ, मुझे खाकर तो तुम्हारा नाश्ता भी पूरा नहीं होगा। मुझे बख्श दो। तुमने मेरे दोस्त मोगली को परेशान किया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अच्छा ठीक है का, मोगली मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी नहीं, कभी 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 नहीं, पर प्लीज मुझे मत खाना। नहीं खाऊंगा, वैसे भी तेरा टेस्ट किसी सड़े अंडे से कम नहीं होगा। अब फूटो यहाँ से, और आज के बाद अपनी हेगड़ी मत दिखाना मुझे। टबाके डरपोक है। ओ पल्लू जी, तुम भी बहुत जल्दी डर जाते हो। मुझे तो पहले ही शक था कि वो नकली सांप है। वैसे भी मैं ज्यादा नहीं डरा था शेर खान। अपनी बेहुदा बकवास बंद कर टबाकी, उसने तुझे बेवकूफ बनाया और तू बन भी गया। पर बदला लूंगा मैं। केचुली से एक नकली सांप बनाकर मुझे डराने की कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। वैसे एकदम असली सांप लग रहा था वो। ओ ऐसा क्या? बताओगे अपना बदला लेने के लिए क्या करोगे? वो मैं ये सोच रहा था कि कि मैं मदद कर दूं। तुम्हें भी इसमें मजा आएगा, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरे चांद की रात को शिकार तक ले जाऊंगा। बोलो मंजूर है? ठीक है, वैसे भी मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है। अच्छा तो तुम ये हरकतें कर रहे थे, वो टबाकी जानते हो मोगली, तुम परेशानी में पड़ सकते थे। अब छोड़ो भी बलो, वो मरियल सूखा हुआ गीदड़ हमारे मोगली के सामने कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी इस हरकत में खतरा तो था, पर सोचने पर मुझे भी हंसी आ रही है। तुम उसका चेहरा देखते तो मजा आ जाता। तो यहाँ खेल रहा है? इंसानी बच्चे, सोचा कि तुम्हें फिर से मिलकर शुक्रिया अदा करो। ओ रहा देखो, और देखो ना शेर खान अभी भी अपने नकली सांप के साथ खेल रहा है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल असली लगता है वो। तो ये है वो नकली का जो तुम्हारा खिलौना बना हुआ है। इसकी क्या जरूरत थी शेर खान? तो इसे का की भाषा भी सिखा दिया। ये तो का ही है, मुझे जाने दो। पहले ये बोलो, मोगली को परेशान नहीं करोगे? हाँ? नहीं करूंगा।
किसी और दिन करूंगा मोगली। चबाकी, तूने कहा था नकली सांप है। मुझे तुझसे बातें करनी है। शुक्रिया का। ये तो मेरा फर्ज था इंसानी बच्चे, तुमने मेरी मदद की तो मैं पीछे कैसे रहता बताओ। तेरा ही शिकार करूंगा तबाकी। शेखान, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये है जंगल, यही